हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10th की NCERT मैथमेटिक्स की वीडियो। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के हम चैप्टर नंबर 1, है ना। क्या है चैप्टर नंबर 1? है ना, वास्तविक संख्या है ना, रियल नंबर। ठीक है, तो इसमें हम आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, इसमें एक थ्योरम दिया गया है, प्रमेय दिया गया है 1.2, है ना। ये 1.2 क्या है देखते हैं। तो प्रमेय 1.2 अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है ना। क्या दिया गया है कि प्रमेय 1.2 में अंकगणित का आधारभूत प्रमेय दिया गया है ना। तो ये अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो क्या है देखते हैं। तो क्या हो गया, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो पहले हम फर्स्ट लाइन पर ही फोकस करते हैं। क्या बोला कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो मान लीजिए पहली जो भाज्य संख्या है वो 9 है। एक भाज्य संख्या लिया मैंने, वो 9 है। अभी यहाँ पर 9 लेकर के चला हूँ। भाज्य संख्याएं बहुत सारी हो सकती है, सभी को पता है ना कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जिसके दो से अधिक अलग अलग गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं, और वे संख्याएं जिसके दो ही, यानी दो ही मतलब वही संख्या और एक ही क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये 9 हो गया, है ना। 9 मैंने एक संख्या ले लिया, तो 9 इज इक्वल टू, इस 9 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होगा बेटा 3 × 3, है ना। क्योंकि देखो, ये अगर मैं 3 के गुणनखंड निकालना, 9 के गुणनखंड निकालना चाहूँगा, तो ये 3 सेकेंड्स अलाउट होगा 3 टाइम, और 3 सेकेंड्स अलाउट होगा 1 टाइम। ठीक है, तो कितना हो गया, 9 इज इक्वल टू 3 × 3। अब क्या देखेंगे, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। क्या कहा इसमें अब आगे, कि यह जो गुणनखंड है, ये एक जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकलता है, यह अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम, ये बाद के आने वाले क्रम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। अभी क्या हो रहा है कि ये जो अभाज्य गुणनखंड में से जो एक क्या निकला हमारे पास, अभाज्य संख्या, ये अभाज्य गुणनखंडों के आने वाला जो क्रम है, इससे क्या बोलता है, गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय। इस क्रम के बिना क्या है, ये अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है कि इसके जैसे कोई और नहीं होना। ठीक है, तो ये जो गुणनखंड आए हैं आगे वाले, जो गुणनखंडों का क्रम है, उसके बिना ये कैसा है, एक अद्वितीय है, अकेला है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया। क्या बोला था उसने कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य क्या बोलता है, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो व्यक्त कर दिया हमने, यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना कैसा है, अद्वितीय है। तो ये जो गुणनखंड होता है, यह गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना कैसा है, अद्वितीय होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं, इसमें एक और पॉइंट दिया गया है इस एक्सरसाइज से पहले, कि यदि मान लिया जाए कोई दो संख्या, हमने यहाँ मान लेते हैं कि यदि कोई दो संख्या, संख्याएं ए व बी है, यदि कोई दो संख्या मेरे पास कौन कौन सी है, ए और बी है, तब देखो, तब हमको याद रखना है कि इन दो संख्याओं का, है ना, क्या HCF, या आप LCM बोल सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, LCM ऑफ ए बी, LCM ऑफ ए बी इंटू HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्रॉस बी। हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई दो संख्याएं है, क्या है, कोई दो संख्याएं है, और उन दोनों का अगर हमारे पास क्या है, LCM है और HCF है, तो क्या हो जाता है कि उन दो संख्याओं का LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा,
इसको हिंदी में अगर देखें तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम है ना ए व बी का लस, हम सीधे बोल सकते हैं अगर हिंदी में देखें तो, गुना क्या हो जाएगा ए व बी का मस महत्तम समापवर्त्य, ठीक है, इज इक्वल टू है ना ए गुना बी। या हम ये कह सकते हैं कि अगर ए को मैं पहली संख्या मान लूँ और बी को दूसरी संख्या मान लूँ तो पहली व दूसरी संख्या का लस गुना पहली व दूसरी संख्या का मस इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इतनी बात समझ में आ गई, आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है बच्चों, आपको ये फार्मूला याद रखना है, ये रखो या ये रखो, ठीक है दोनों बातें कहिए। तो देखिए आपको यहाँ पर ये फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूले के अनुसार यदि आपको देखो कितनी चीज़ दी है यहाँ पर, एक दो तीन और चार, इन चारों में से यदि कोई तीन वैल्यू आपके पास गिवन है तो आप चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको जैसे एग्जांपल बता देता हूँ मैं कि मान के चलिए मेरे पास कोई दो संख्याएँ हैं, पहली संख्या मैं ले लेता हूँ यहाँ पर हो जाए 25 और दूसरी संख्या ले लेते हैं हम 6 और दूसरी संख्या क्या ले ली यहाँ पर 6, दो संख्या हो गई। अब इन दो संख्याओं में अगर हम किसकी बात कर ले कि एलसीएम की बात कर दे, ठीक है, तो इन दो संख्याओं का एलसीएम निकालना आपको बता देता हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 25 और ये 6। देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होगा नहीं होगा रहन दो, देखो 6 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम, अब देखिए 2 से डिवाइड होगा क्या नहीं, अब 3 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 25 डिवाइड होता है क्या नहीं रहन दो, 3 से 3 डिवाइड होगा 1 टाइम, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा तो 5 से होगा, अब 5 से होगा तो कितने टाइम होगा 5 टाइम है ना, 1 है तो 1 तो लिखते ही चलेंगे। अब देखो ये 5 टाइम फिर से कैंसिल हो जाएगा 1 और ये 1, तो देखो ये 2 गुना 3 है ना, 2 गुना 3 6 और 5 25, ठीक है। अब देखो 2 गुना 3 और 5 गुना 5 5 25 और ये 2 3 6 तो 25 400 तो 25 6 150, ठीक है, तो 25 6 कितना आ गया 150। तो हम देख सकते हैं कि 25 व 6 का जो निकाला क्या निकाले हमने, लस निकाले, लघुत्तम समापवर्तक निकाले, वो इज इक्वल टू कितना आ गया 150 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे इन दोनों का मस, तो ये दोनों देखो ये दोनों संख्याओं का अगर महत्तम समापवर्तक की बात करें तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक होगा बेटा 1, क्यों होगा देखते हैं। देखो ये कैसे निकाल सकते थे, तो देखो 6 ये आपने फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने आपको, तो ये हो जाएगा 25, 6 से 25 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा, ये जाएगा 4 टाइम है ना, 6 चौं 24, ठीक है घटा दो कितना आया 1 आ गया, अभी 1 यहाँ 6 पे यहाँ लिख देंगे तो 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा 6 ये 0, तो अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है मस होता है। तो हमें कह सकते हैं इसका मस यानी कि कितना 25 व 6 का मस इज इक्वल टू 1। तब हम देखते हैं यहाँ पर वैल्यू रख करके कि क्या हमने जो प्रोडक्ट निकाला है ये क्या ये समीकरण को संतुलित करता है, ठीक है। तो देखो ए बी का लस, ए बी का लस का मतलब हो गया 150, ठीक है 150 गुना ए बी का मस कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी है 25 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा इज इक्वल टू, इसका जब मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 25 छक 150, ठीक है बच्चों। तो देखो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो कि यदि मेरे पास यहाँ से कोई दो वैल्यू गिवन है, मान के चलो इसका लस भी गिवन है व स भी गिवन है, एक संख्या ज्ञात करनी है, मान के चलो पहली संख्या मुझे पता है कि 25 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए तो पहली संख्या लघुत्तम को दिया था कितना दिया था 150 हो गया गुना दूसरी संख्या महत्तम समापवर्तक कितना है 1 इज इक्वल टू, पहली संख्या हमको पता है कि 25 है, अब दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है तो गुना बी, दूसरी संख्या ज्ञात करना है ना, तो दूसरी संख्या अब देखो ज्ञात करना है तो इसका ट्रांसफर ये मल्टीपल में तो ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 150 इंटू 1 150 अपान, जब इसका मैं इधर डिवाइड करूंगा तो ट्रांसफर करूंगा तो कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू, ये कितना होगा बी। अब देखो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 25 छक कितना होता है 150, तो 6 इज इक्वल टू बी, मतलब बी इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास कोई दो संख्याएं दी गई है ना,
और उनका ल स या म स दिया है तो हम कोई भी एक टर्म निकाल सकते हैं। कहने का आशा यह है कि यदि इस फार्मूले के अनुसार कोई तीन वैल्यू हमारे पास गिवन है तो चौथी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे 1.2 के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।